Hey guys, welcome back to a new video. And in this video, I'm going to talk about a different country, a country of Schengen zone. मैं उसके बारे में बात करूँगा. वहाँ आप पढ़ने आ सकते हो और उस कंट्री का नाम है ऑस्ट्रिया. ऑस्ट्रिया के बारे में बात करने वाला हूँ कि आप ऑस्ट्रिया में 2024 इंटेक में कैसे अप्लाई करोगे एंड कैसी प्रोसेस होती है, पूरी चीज़ मैं बताने वाला हूँ. एंड ऑस्ट्रिया काफ़ी अच्छी कंट्री है, Schengen zone की वन ऑफ दी इम्पॉर्टेंट नेशन है. वहाँ की इकॉनमी भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है वो. सो मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. मेरा नाम नितिल कुमार श्रीवास्तव है एंड मैं स्टडी वीज़ा एंड वर्क वीज़ा पे वीडियो बनाता हूँ. मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना का स्टूडेंट हूँ. अब मैं आता हूँ कि आपको ऑस्ट्रिया में क्यों पढ़ना चाहिए. व्हाई यू शुड स्टडी इन ऑस्ट्रिया एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट. सो द फर्स्ट एंड द फॉर्मस्ट थिंग इज़ दैट इट इज़ एट अ वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन यूरोप. जो यूरोप में इसकी लोकेशन है काफ़ी स्ट्रेटेजिक है इन टर्म ऑफ एवरीथिंग, इन टर्म ऑफ ट्रेड, इन टर्म ऑफ नेटवर्किंग, इन टर्म ऑफ एक्सेसिबिलिटी. एंड अगर मैं बात करूँ दूसरी, तो काफ़ी अफोर्डेबल एंड कंफर्टेबल डेस्टिनेशन है अब्रॉड एजुकेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना उतनी एक्सपेंसिव ट्यूशन फीस नहीं होती. एंड काफ़ी ये काम कूल कंट्री है, काफ़ी फ्रेंडली नेशन है. और तीसरी बात करूँ तो यहाँ की ब्यूटी, काफ़ी ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स है ऑस्ट्रिया में. लाइक वहाँ के आप आल्प्स देखोगे, माउंटेन्स देखोगे, वहाँ की प्रिस्टीन फॉरेस्ट, लवली लेक्स, लाइक ऑल दीज थिंग्स काफ़ी उसको अच्छा एक जगह बनाती हैं जहाँ पे आप रह के अपना स्टडी परस्यू कर सकते हो. उसके बाद आती है कि अगर आप ऑस्ट्रिया में पढ़ने आते हो सो आपको जर्मन सीखने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, क्योंकि ऑस्ट्रिया जर्मनी के काफ़ी करीब है. एंड ऑस्ट्रिया पे जर्मन इन्फ्लुएंस भी पहले रहा है, सो वहाँ के लोग जर्मन काफ़ी अच्छा बोलते हैं. सो आपको जर्मन सीखने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा. एंड ऑस्ट्रिया में बेस्ट पार्ट क्या है ना कि सबसे ज़्यादा इंग्लिश थॉट प्रोग्राम्स हैं. लाइक इन कंपैरिजन ऑफ अदर कंट्रीज, इफ़ आई टॉक अबाउट अदर कंट्रीज इन Schengen zone, सो यू विल फाइंड दैट ऑस्ट्रिया हैज़ अ वेरी कंफर्टेबल प्लेस इन टर्म ऑफ इंग्लिश थॉट कोर्सेज एंड अफोर्डेबल कॉस्ट ऑफ लिविंग है. मैं आगे आपको बताऊँगा कितनी आपको लिविंग कॉस्ट वहाँ पर पड़ेगी अगर आप ऑस्ट्रिया में पढ़ने आते हो. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट ऑस्ट्रिया इज़ दैट यू कैन स्टडी इन ऑस्ट्रिया इवन विदाउट IELTS. यू डोंट नीड टू गिव IELTS फॉर स्टडिंग इन ऑस्ट्रिया. जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यू कैन इनरोल एट ऑस्ट्रियन यूनिवर्सिटीज़. उसके बाद वहाँ की टॉप यूनिवर्सिटीज़ को बताता हूँ, वहाँ की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी है, उनकी QS वर्ल्ड रैंकिंग भी आपको बताऊँगा. पहली आती है यूनिवर्सिटी ऑफ वियना. यूनिवर्सिटी ऑफ वियना, वियना इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रिया. सो वहाँ की जो यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ वियना, उसकी जो QS वर्ल्ड रैंकिंग है 151 है. दूसरी आती है TU VN, ये भी एक यूनिवर्सिटी है वहाँ पे ऑस्ट्रिया में, जिसकी जो QS वर्ल्ड रैंकिंग है वो 180 है. जो तीसरी आती है वो ग्रेज यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, इसकी जो QS वर्ल्ड रैंकिंग है वो 277 है. चौथी आती है यूनिवर्सिटी ऑफ इंसरबर्ग, इसकी जो QS वर्ल्ड रैंकिंग है वो 281 है. उसके बाद आती है जॉनस कैपलर यूनिवर्सिटी लिंस, इसकी जो QS वर्ल्ड रैंकिंग है वो 354 है. उसके बाद आती है अल्पेन एड्रिया यूनिवर्सिटात कलंगफोर्ट, इसकी जो QS वर्ल्ड रैंकिंग है वो 501 है. सो ये सारी वहाँ की टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं ऑस्ट्रिया की, जहाँ पे आप इनरोल कर सकते हो. एंड वहाँ पे आपको बैचलर्स, मास्टर्स, PhD, मतलब हर तरह के कोर्सेज के लिए इंग्लिश प्रोग्राम्स प्लेंटी अमाउंट में मिलेंगे. फिर कॉस्ट ऑफ स्टडी कितनी होती है ऑस्ट्रिया में, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है अगर आप किसी भी स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन का प्लानिंग कर रहे हो. तो ऑस्ट्रिया में यार जो आपको कॉस्ट आई वो आएगी 727 यूरोस पर सेमेस्टर. अब ये जो कॉस्ट है ना, वहाँ की एक यूनिवर्सिटी की है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज. लाइक वहाँ पे जितनी भी अप्लाइड साइंसेज की यूनिवर्सिटीज है ना, वहाँ की कम से कम कोर्सेज 727 यूरोस पर सेमेस्टर. एंड वो वेरी कर सकती है 7500 यूरो पर सेमेस्टर तक, ठीक है. बट अगर वहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आप जाते हो तो वहाँ पे 3000 यूरो से लेकर 23000 यूरोस तक आ सकती है ट्यूशन फीस साल की. बट वहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, आप उनमें एडमिशन ले सकते हो. एंड वहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया 800 यूरोज़ मान लो और 3000 यूरोज़ के बीच आपकी पर सेमेस्टर की ट्यूशन भी वेरी करेगी. अब रिक्वायरमेंट क्या है ऑस्ट्रिया में अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो आपको आपकी जो प्रीवियस स्टडी है वो एटलीस्ट 12 साल की होनी चाहिए, राइट. एंड आपको जो मिनिमम आपकी मार्क्स है ऑस्ट्रियन यूनिवर्सिटीज़ में इनरोलमेंट के लिए वो एटलीस्ट 55 होना चाहिए, ठीक है. 55 इज़ द मिनिमम क्राइटेरिया टू गेट इनरोल्ड इन ऑस्ट्रियन यूनिवर्सिटीज़ फॉर बैचलर और इधर फॉर मास्टर्स.
उसके बाद मैं आपको अगर बताऊं कि यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, अगर आप ऑस्ट्रिया में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हो तो जो आपको एकोमोडेशन कॉस्ट करेगी वो करेगी समवेयर अराउंड 200 यूरोस टू 400 यूरोस पर मंथ। इट विल डिपेंड ऑन द यूटिलिटीज एंड इट विल डिपेंड ऑन द लोकेशन वेयर यू आर लिविंग इन द सिटी, मे बी इन द सेंटर और आउटसाइड द सेंटर। और उस जो वहाँ पे खाने का कॉस्ट आएगा, अगर आप किसी रेस्टोरेंट या कहीं भी खाते हो, 8 से 20 यूरो आएगी पर मील। बट एज ए वी हम स्टूडेंट हैं तो हम प्रेफर करते हैं बना के खाएं, हमारे लिए वो चीप होता है। तो अगर मैं बात करूँ वहाँ ग्रोसरीज कितना कॉस्ट करेगी आपको, वो 150 यूरोस टू 180 यूरोस पर मंथ हार्डली। मैं सब मैक्स टू मैक्स अमाउंट बता रहा हूँ, इससे भी कम में आपका सेटलमेंट वहाँ हो जाएगा रहना। ट्रांसपोर्टेशन आपको क्या करेगी, 2 यूरो की बस की मेट्रो की टिकट आती है, बट अगर आप मंथली पास लेते हो 30 यूरो से 50 यूरो कॉस्ट करेगी। सो मोटा मोटी मैं आपका खर्चा बता दूँ ना, एक मंथ वहाँ रहने का हार्डली 400 से 450 यूरो आएगा, ठीक है, 450 यूरो मान लो हार्डली मैक्सिमम। एंड अब मैं बात करता हूँ स्टेबैक्स ऑप्शन क्या है ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया में स्टेबैक्स ऑप्शन से यार ये है ना कि आप जैसे स्टडी कंप्लीट करते हो आप वहाँ पे 6 मंथ रह सकते हो, ओके। एंड लाइक वहाँ पे आप आओगे तो वहाँ के आपको टेम्प्रोरी रेसिडेंट परमिट मिल जाती है, आफ्टर स्टडी आप कहीं वहाँ पे जॉब ढूंढ लो उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा लो। सिंपल है यार, हर जगह की यही रूल है, एक बार आप आ जाते हो तो बंदा सेट हो जाता है। पहले तो TRC मिलती है, फिर वो TRC आपको PRC हो जाती है, परमानेंट रेसिडेंट कार्ड, कोई इशू नहीं होता। और ऑस्ट्रिया काफ़ी ईजी है सेटलमेंट के हवाले से, काफ़ी वहाँ पे ईजी है स्टे बैक करना। अब वहाँ पे क्या है ना कि अब मैं आपको बताता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप ऑस्ट्रियन स्टडी वीज़ा जो कि ओपन हो चुकी है उसका अगर आप प्लानिंग करते हो तो आपको कब करना चाहिए, ठीक है। अब ऑस्ट्रिया क्या है ना, समर इंटेक अपना खोल चुका है, वहाँ पे एडमिशन्स चालू हैं, आपको अगर अप्लाई करना है तो आप कर सकते हो। तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, मैं वो बता देता हूँ। पहले तो आपका पासपोर्ट, दूसरी चीज़ आपकी मार्कशीट, तीसरी चीज़ आपकी अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो आपको अपनी बैचलर्स की जो आपकी सर्टिफिकेट है एंड जो आपकी मार्कशीट है वो शो करनी होगी। एंड देन आपको 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, 1 मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, एंड देन आपको IELTS का ज़रूरत है नहीं, अगर आपके पास है तो सोने पे सुहागा है आपके लिए, अदरवाइज यू कैन इनरोल इन ऑस्ट्रियन यूनिवर्सिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। एंड देन यू हैव टू क्रिएट अ SOP फॉर योर एडमिशन, एंड देन यू हैव टू क्रिएट एन यूरोपा CV, एंड लेटर ऑन इफ यू हैव अ गैप देन यू हैव टू प्रोवाइड अ गैप सर्टिफिकेट विच इज़ नॉट कंपल्सरी बट आई विल सजेस्ट यू टू प्रोवाइड देम, एंड फिर पासपोर्ट साइज फोटो, बस दैट्स ऑल। इंटेक्स वहाँ पे दो होती हैं, विंटर इंटेक और समर इंटेक। विंटर इंटेक का जो डेडलाइन होता है वो 22 सितंबर स्टार्टिंग होता है और समर इंटेक का 5 फरवरी स्टार्टिंग, मतलब कि फेब स्टार्टिंग में समर इंटेक बंद हो जाएंगे। सो अभी ओपन है, चालू हो जाओ, लग जाओ अगर ऑस्ट्रिया आना है तो। वीज़ा रेशियो की बात करता हूँ, ऑस्ट्रिया की जो वीज़ा रेशियो है ऑलमोस्ट 100% है इंडियंस के लिए, एंड अदर नेबरिंग कंट्रीज जो हमारी है उनके लिए भी काफ़ी अच्छी है। ऑस्ट्रिया में 100% चल रही है इंडियंस के लिए वीज़ा एक्सेप्टेंस। एंड वहाँ की अगर मैं अप्लीकेशन फ़ी की बात करूँ, अगर किसी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हो कितना कॉस्ट करेगी पर यूनिवर्सिटी, तो 50 से 100 यूरो के बीच वैरी करेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको हर चीज़ क्लियरली मैंसन किया वीडियो में। बट अगर आप चाहते हो हमारे थ्रू अगर आप ऑस्ट्रिया आना, हमारे थ्रू प्रोसेस करवाना, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट हमारी यूरोप की 200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ से अभी तक हमने टाइप किया है, जिसमें ऑस्ट्रिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं। सो एडमिशन की चिंता बिल्कुल ना करो, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है आपकी एडमिशन होगी ही, क्योंकि हमारी टाइप है उनके साथ। एंड लाइक अगर आप हमारे थ्रू कराना चाहते हो तो आपको जो कॉस्ट करेगी वो 50K चार्जेज आएंगे INR में, एंड आपको जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे वो सारे डिस्क्रिप्शन में मैंशन, आप जाके चेक कर सकते हो। एंड आपको यूनिवर्सिटी अप्लीकेशन फीस सेपरेटली पे करना होगा अगर हमारे थ्रू आते हो। उस 50,000 में आपको बहुत सारे सर्विसेज मिलेंगे जो कि लिटरली कोई जल्दी प्रोवाइड आपको नहीं करेगा इतना कम कॉस्ट में। एंड बस लास्ट में मैं ये कहूँगा, एक काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी उस स्टूडेंट्स के लिए जो बिना IELTS की यूरोप आना चाहता है सेंगेन जोन में, जो अपना सेटलमेंट देख रहा है। ऑस्ट्रिया इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, यू कैन कम टू ऑस्ट्रिया। एंड अभी इनटेक ओपन है, बस लग जाओ, किसी चीज़ का वेट मत करो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो यार तो प्लीज़ बस वीडियो को क्या करना आपको पता है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करके बताना है। अगर हमसे प्रोसेस कराना है तो हम इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
सो मिलते हैं गाइज एक अलग नई वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में।